नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। चलिए आपको बता दें देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री KP अम्बालागन कोरोना संक्रमित, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती। शहीद जवानों को US के विदेश मंत्री ने दी श्रद्धांजलि, बोले हम भारत के साथ। दिल्ली में बरस रही है आग, पारा 46 के पार। दुनिया में अब तक 84,63,533 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। लखनऊ में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नोटिस। बीजिंग में कोरोना के 25 नए केस मिले, बीते 8 दिनों में चीन की राजधानी में 183 हुए संक्रमित। दिल्ली में BJP नेता हरबंस लाल गुप्ता की कोरोना से मौत, महाराजा अग्रसेन अस्पताल में थे भर्ती। फ्रेंच ओपन फिर टला, अब एक हफ्ते बाद 27 सितंबर को फैंस की मौजूदगी में होगा। फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 56 पैसे और डीजल 63 पैसे हुआ महंगा। श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री का आरोप, 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स था। हरियाणा के रोहतक में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.3। ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा साइबर अटैक, सरकारी और निजी क्षेत्रों पर बड़ा साइबर अटैक। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में LOC के पास पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल। अमेरिका ने कहा बीजिंग के सही आंकड़े नहीं बता रहा चीन, निगरानी के लिए टीम भेजी जाए। BSNL के बाद रेलवे ने चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार तोड़ा। भारत चीन दोनों देशों ने LAC पर शांति बनाने के लिए 27 साल में 5 समझौते किए। गलवान में चीन ने 1993, 1996 और 2013 के समझौते को तोड़ा। मध्य प्रदेश में राजपूत समाज ने CBI जांच की मांग की और वही करण जौहर के खिलाफ FIR को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। चीन के विदेश मंत्रालय ने झड़प पर पूछे गए सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया, न ही मारे गए सैनिकों का आंकड़ा बताया। करण जौहर ने अचानक बदल लिया अपना फोन नंबर और वही ट्विटर पर आलिया भट्ट समेत कई करीबियों को किया अनफॉलो। अफगानिस्तान के मदरसे में हुए बम विस्फोट में 7 छात्रों की मौत, 8 घायल। BSNL ने चीन के प्रोडक्ट्स को बैन किए। मिजोरम में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, न्यूजीलैंड में 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की आशंका। 7 साल के बैन के बाद तेज गेंदबाज श्रीशांत की केरल टीम में वापसी हुई, कहा कि मौका देने के लिए एसोसिएशन का कर्जदार रहूंगा। मोदी ने समर्थन देने वाले देशों का आभार जताया, कहा दुनिया में बराबरी और अमन के लिए काम करेंगे। सुशांत थे बाजीराव मस्तानी और रामलीला की पहली पसंद, खुलासा करते हुए कंगना बोली कि निष्पक्ष जांच होने पर खुलकर बोलूंगी।